गांधी जयंती के अवसर पर मंगलवार को गोरख पूर्वांचल ऑटो ऑपरेटर एसोसिएशन ने अंबेडकर चौक पर ऑटो चालकों को निःशुल्क वर्दी वितरण समारोह का आयोजन किया। ऑटो चालकों को निःशुल्क वर्दी वितरण के लिए पहुंचे मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक यातायात आदित्य प्रकाश वर्मा का स्वागत एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि ने ऑटो चालकों को वर्दी वितरित किया। इस अवसर पर एसोसिएशन के पदाधिकारी और भारी संख्या में ऑटो चालक मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य अतिथि आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा, महात्मा गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज निःशुल्क वर्दी वितरण करने का कार्यक्रम आदित्य वर्मा जी उपस्थित हुए हैं, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। आपने पदाधिकारी का उपस्थित हुए हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। स्वागत करें सुशील मित्र जी, कपूर के साई करता हूँ। आप आए, मैं आग्रह करता हूँ मीडिया प्रभारी ट्रैफिक महोदय द्वारा वर्दी लेने का, आप आए सर अनिल कुमार जी द्वारा वर्दी, कहीं ना कहीं आप सब भी कार्यक्रम चलेगा, वर्दी वितरण के बाद कार्यक्रम चलेगा। एसपी ट्रैफिक महोदय के हाथों द्वारा वर्दी, बाकी लोग आप आइए उधर से, रंजीत वर्मा धर्मशाला से, एक्चुअली हम लोगों ने लगभग एक महीना पहले 24 तारीख से सभी ऑटो चालकों के लिए एक निर्धारित वर्दी पहनने के लिए अनुरोध किया गया था। उसके अंतर्गत लगभग 80% ऑटो चालक वर्दी पहन रहे हैं और बाकी को एक एज ए टोकन के रूप में या एज ए प्रोत्साहन के रूप में हम लोग आज जो है 100 वर्दियां जो है ऑटो चालकों के लिए बांट रहे हैं, जिससे कम से कम ये पहनेंगे तो दूर से जनता को पता चल जाएगा ये ऑटो के वास्तव में चालक है या नहीं है, या कोई दूसरा आदमी गुमराह करके उनका सामान ले जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने वर्दी वितरित किया। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इनका जो आत्मविश्वास है, हमारे ऑटो चालकों का आत्मविश्वास है, इनका आत्मविश्वास बढ़ा है और हम लोग इनको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप लोग जो है हमारे निर्देशानुसार आप जो भी कार्य कर रहे हैं हमारा इनके साथ पूरा सहयोग है और किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति इनको किसी भी तरीके से प्रताड़ित नहीं करेगा और ये वर्दी धारण करें और जनता को सहयोग दें।